राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत गरीबों का हक मार राशन का गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों को रसद विभाग ने चिन्हित किया। सरकारी कर्मचारियों से कार्यवाही पर 27 रुपए प्रति किलो गेहूं के हिसाब से रसद विभाग वसूली करने की तैयारी में लगा। प्रदेश में कोई भूखा न रहे, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसे कई जरूरतमंदों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वंचित थे, उन्हें राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं उपलब्ध करवाया। इस दौरान डूंगरपुर जिला रसद कार्यालय को इस बात की जानकारी मिली। कोविड-19 के दौरान कई जिलों में जानकारी में आया था, जो एबीएंस के राशन कार्ड थे उनके द्वारा भी राशन उठाया जाने लगा। ऐसा संज्ञान होने पर हमने डीलरों के मार्फत से ऐसे कार्डों की जांच करवाई, जिसमें अनेक सरकारी कर्मचारी, जो ANM, अध्यापक, LDC, रिटायर्ड कर्मचारी, ऐसे कई लोग जानकारी में आए हैं, जिनकी सूचना हमने तैयार की है और उनके द्वारा राशन कार्ड पे कितना गेहूं उठाया गया है, और उस आधार पे उनसे 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इनकी रिकवरी की जा रही है। वर्तमान में अभी तक 20 कर्मचारियों के द्वारा 102 क्विंटल के लगभग राशन उठाया है, जिनका विभागवार विवरण तैयार करके और संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। और जिले में अन्य जहां कहीं भी ऐसे कर्मचारी हैं, उनकी सूचनाओं का संग्रहण किया जा रहा है, और ऐसे समस्त कर्मचारियों से अपील भी है कि या तो वे तत्काल अपना नाम स्वतः हटवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रिकवरी की जा करके जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।